the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। सोचिए कि कितना दुर्लभ नज़ारा होगा जब भारत का राष्ट्रीय गीत पाकिस्तानी गाएं। हालांकि रविवार को लंदन में ऐसा ही होते दिखा। चीनी दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन में कुछ पाकिस्तानियों को भारतीयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते भारत का राष्ट्रीय गीत गाते देखा गया। प्रदर्शन का आयोजन चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय प्रवासी समूहों द्वारा किया गया था। इसमें पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया भी शामिल हुए, जो अपने देश के बारे में कड़वी नग्न सच्चाई बोलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर बॉयकॉट चीन, चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आजकिया ने कहा, आज जीवन में पहली बार मैंने वंदे मातरम गाया। उसके साथ अमजद अजूब मियाँ भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पीओके के लोगों के उत्पीड़न अन्याय के खिलाफ काफ़ी मुखर रहे हैं। कुछ लोग कराची के थे, ईरान के भी कई लोगों ने इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यह सभी चीन द्वारा उनके मामलों में दखल देने से परेशान हैं। मिर्जा ने कहा, मैं इसमें भाग लेने के लिए ग्लासगो से आया हूँ। मैं पीओके से हूँ, पाकिस्तान कब्जे में रहने वाला एक भारतीय हूँ। चीनी सीपीसी के माध्यम से गिलगित बाल्टिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार इनके साथ मिलकर इसमें हाथ बटा रही है। भारतीयों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ पोस्टर तख्तियां ले रखी थी, जिसमें शी जिनपिंग से उनके प्रति अति महत्वाकांक्षी शक्ति के खेल को नियंत्रित करने की बातें लिखी थी। प्रवासी भारतीयों ने ऐसे ही प्रदर्शन अमेरिका, कनाडा, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किए। चीन से बढ़ती नाराजगी लंदन की सड़कों पर भी दिखाई दी। शनिवार रात को मध्य लंदन में चीनी दूतावास की इमारत पर फ्री तिब्बत, फ्री हांगकांग, फ्री उइगर लिखी एक तस्वीर देखी गई। वहीं अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो पिछले साल दुनिया भर में भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों की संख्या में करीब 1 करोड़ का इजाफा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने यह आकलन खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट के बाद जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों की ओर से यह रिपोर्ट को सोमवार को जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में मौजूदा आर्थिक परिदृश्य बताते हैं कि महामारी के कारण साल 2020 में कुपोषण तालिका में 8.3 करोड़ और 13.2 करोड़ लोगों का इजाफा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक पिछले साल करीब 69 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में थे। यह संख्या पूरी दुनिया की आबादी का करीब 9% है। साल 2018 में इसमें करीब 1 करोड़, जबकि साल 2014 से करीब 6 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि दशकों तक भुखमरी के सूचकांक में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2014 से भुखमरी के आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि भुखमरी के आंकड़ों में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सर्वाधिक कुपोषित आबादी रहती है। वहीं अगली खबर, अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस पर यह तनाव कोरोना वायरस पर नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के मामले पर बढ़ सकता है। दरअसल सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को गैरकानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास इस इलाके पर अपनी इच्छा थोपने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में संपदा खोजने का चीन का प्रयास पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि दुनिया दक्षिण चीन सागर को चीन का जल साम्राज्य नहीं बनने देगी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा, हम बीजिंग के डराने, धमकाने और समुद्री साम्राज्य के दावों को अस्वीकृत में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दक्षिण चीन सागर पर अमेरिकी नीति को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन शुरू से ही अपना दावा पेश करता रहा है और वो यहाँ मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य अड्डों भी बसा रहा है। वहीं अगली खबर, नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे आयोग के मॉडल के आधार पर अपनी वन भूमि और कृषि भूमि पर चंदन और बांस की पौध लगाएं। साथ ही राज्यों में किसानों को भी ऐसे व्यवस्थित
वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपके पास जमीन और आप खेती में आजमाना चाहते हैं तो आप चंदन की खेती कर सकते हैं। इसमें आप 1 लाख रुपये लगाकर 60 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि सफ़ेद चंदन सदाबहार पेड़ है। इस पेड़ से निकलने वाला तेल और लकड़ी दोनों ही औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। इसके अर्क को खान पान में फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साबुन, कॉस्मेटिक और परफ्यूम में सफ़ेद चंदन के तेल को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 262 एकड़ भूमि में फैले नासिक स्थित अपने परीक्षण केंद्र में चंदन और बांस के पेड़ लगाए थे। KVIC ने चंदन और अगरबत्ती बनाने में काम आने वाली बांस की विशेष किस्म बंबूसी टुल्डा के 500-500 पेड़ लगाए। KVIC को 10-15 वर्षों में तैयार होने वाले चंदन के पेड़ों से 50 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जबकि बांस के पेड़ों से 3 साल बाद हर साल 4 से 5 लाख रुपये मिलने का अनुमान है। चंदन के एक पेड़ से आपको आसानी से 8 से 10 किलो लकड़ी मिल जाती है। चंदन की लकड़ी का भाव देश में 8 से 10,000 रुपये प्रति किलो तो विदेश में 20 से 25,000 रुपये प्रति किलो तक बिकती है। अगर आप 1 एकड़ में चंदन के पेड़ लगाते हैं तो इसके बाजार भाव के हिसाब से आप 60 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं अगली खबर, झारखंड के पूर्वी सिंह भूम जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर की शिक्षिका ने कथित तौर से किंडरगार्टन के छात्रों से पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद करने को कहा। इसके बाद इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शिक्षिका पर देश विरोधी मानसिकता के होने का आरोप लगने के बाद प्रशासन ने मामले में जांच शुरू की है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पिछले हफ्ते शिक्षिका ने UKG और LKG के बच्चों को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर YouTube लिंक देते हुए इन देशों के राष्ट्रगान को सीखने को कहा था, जिसके बाद कई अभिभावकों ने इस पर बात का विरोध किया। जिला शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने भी ट्वीट पर यह मामला उठाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच दल गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं अगली खबर, मोहन बागान FC की जूनियर एकेडमी के प्रतिभाशाली फुटबॉलर दीप बाग कोरोना वायरस महामारी के कारण फुटपाथ पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें इसके लिए अपने जुनून फुटबॉल से दूरी बनाना पड़ी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में कोल नगर के निवासी 20 साल के बाद बंगाल में लॉकडाउन के कारण 4 सदस्यों के अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुर्गापुर मोहन बाग बागान अंडर 19 एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले दीप बाग पिछले सीजन तक स्टॉपर के रूप में खेलते थे। उन्हें एकेडमी में रहने के कारण 1,000 रुपये भत्ते के रूप में मिलते थे। उनके स्टॉपेट और 68 साल के पिता के वेतन के दम पर परिवार का गुजारा हो रहा था। जैसे ही महामारी का दौर आया, बाप को खेल छोड़कर घर लौटना पड़ा। दीप के पिता रिक्शा चलाते हैं, जिनकी तबीयत लॉकडाउन के बाद बिगड़ गई। परिवार की जरूरतों को देखते हुए युवा खिलाड़ी ने फुटपाथ पर सब्जियां बेचना शुरू की। दीप ने कहा, कम से कम इसकी मदद से मैं अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन खिला पा रहा हूँ। वहीं अगली खबर, अयोध्या और भगवान राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बयान को लेकर अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। PM ओली ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या बनाकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। रामधन ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ आज प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। रामदास महाराज ने पुराण और वेदों में वर्णन का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा कि ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतारना पड़ेगा। रामदास महाराज ने कहा कि यह धर्म आदेश में जारी करता हूँ, मेरे शिष्य सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करें और ओली को सत्ता से बाहर करें। रामदास महाराज ने अयोध्या को लेकर कहा कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या है। उन्होंने कहा कि वेद रामायण पुराण में देख लीजिए, उसमें साफ लिखा है कि जहाँ सरयू है वहाँ अयोध्या है। उन्होंने कहा कि नेपाल में तो सरयू है ही नहीं, पूरे भूखंड में राजा होते थे और सबका चक्रवर्ती सम्राट भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महाराज होते थे। BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार जवाब देगी। श्री राम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं,
वे महावीर जैन मंदिर न्यास समिति के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने कहा, नेपाल में कोई सरयू नदी नहीं है। राम कौशल देश के थे, कौशल उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगली खबर, चीन के सामान पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। प्रतिबंधों के चलते स्मार्टफोन की बिक्री में प्रत्येक सप्ताह 30-40% की गिरावट हुई है। स्मार्टफोन की अच्छी मांग होने के बावजूद आयात और निर्यात की दिक्कतों के चलते बिक्री घटी है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्मार्टफोन के स्टॉक में कमी आ गई है। अभी यह परेशानी जारी रहेगी। एक बड़ी एजेंसी ने अप्रैल जून में मोबाइल फ़ोन की भारी कमी का अनुमान लगाया है। यह एजेंसी 1,60,00,000 स्मार्टफोन का आयात करती है। वहीं अगली खबर, राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे के बीच सचिन पायलट को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। इसकी घोषणा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने की है। साथ ही सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस पद से भी हटाया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि गोविंद सिंह टोटासर को पायलट की जगह पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की लगातार आज दूसरी बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा बागी हुए विधायक विशेन सिंह, रमेश मीणा को भी मंत्री पदों से हटाया गया है। राजस्थान कैबिनेट में विश्वेश्वर सिंह पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा खाद्य आपूर्ति मंत्री पद पर थे। सुरजेवाला ने पायलट से पद छीनने की घोषणा करते हुए कहा कि छोटी उम्र में पार्टी ने उन्हें जो राजनीतिक ताकत दी है वह किसी और को नहीं दी गई। सुरजेवाला ने साथ ही कहा, सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ मंत्री और विधायक साथी भाजपा के षड्यंत्र में उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए हैं। पिछले 72 घंटों में सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व ने कई बार सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। बैठक में मौजूद 102 एमएलए ने निर्विरोध तौर पर सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की पत्नी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट ने कई सारे ट्वीट कर राजस्थान सरकार और कांग्रेस पर हमला किया है। ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस में रहना मतलब गांधी परिवार और गहलोत के तलवे चाटना, वो हमें मजबूर नहीं है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। सहबार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।